अरे यार बटले भैया, अरे बहुत दिनों से हम लोग कहीं घूमने नहीं गए यार। अरे चले ना, हम सारे लोग मिलकर एक साथ चलते हैं घूमने के लिए। चलिए ना बटले भैया, चलिए ना। अरे नहीं, मुझे बहुत काम है, और वैसे भी जब तुम लोग बाहर जाते हो तो बहुत बदमाशी करते हो। नहीं नहीं, अरे चलिए ना रे बाबा। अरे कोई बदमाशी नहीं करेगा रे बाबा, मैं दोनों को समझाऊंगा रे बाबा, चलो ना रे बाबा। अरे सच बता रे बाबा, बदमाशी नहीं करेगा। अरे यार चलो ना, मैं विश्वास करो मैं सच बोल रहा हूँ। अरे घूमने जाएंगे, वहाँ बदमाशी नहीं करेंगे यार, बड़ा मजा आएगा, चलो ना यार। अरे चलो, तो काम करो, ठीक है कल ही चलते हैं। हाँ आओ बटलू भैया, हम लोग पहाड़ी इलाके दार्जिलिंग में जाएंगे और वहाँ पे टॉय ट्रेन में चढ़ेंगे। चढ़ाओगे तो ठीक है, हम लोग कल ही चलते हैं। और लंबे कान वाले, तुम टिकट का व्यवस्था कर लो। अरे यार बड़ा मजा आए, अरे वाह। आओ ये बिच्छू ना बड़ा ही शैतान है सच में। अच्छा बाबा ठीक है चलो। अरे यार वहाँ पे टाइगर हिल है, और उस टाइगर हिल पे मैं अकेले ही जाऊँगा, आप लोग मेरे साथ मत आना। आओ अच्छा बेटा, टाइगर हिल पे जाओगे, जाओ देखना टाइगर लपक के पकड़ लेगा। आओ वहाँ पे काले काले टाइगर मिलेंगे देखना, और दार्जिलिंग में बड़ा दार्जिलिंग में पहाड़ पे बर्फ वाले आइसक्रीम नहीं मिलते यार, तू जानते हो नहीं, बकर 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 करते रहते हो। आओ मैं टाइगर हिल नीचे से देखूंगा, क्योंकि ये नीचे से बहुत बड़ा और ऊपर से बहुत छोटा नजर आ रहा है। आओ 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 आओ, अभी दार्जिलिंग में बहुत गर्म है इसलिए मैं एक जैकेट ले लूंगा। आओ आओ। अरे यार बकवास बंद कर यार। आओ तुम भी बकवास बंद करो। आओ अरे यार कितना मजा आ रहा है यार, हम लोग कंचनजंगा एक्सप्रेस पकड़ के न्यू जलपाईगुड़ी आ गए हैं, और यहाँ पे जाकर टॉय ट्रेन में घूमेंगे, बड़ा मजा आएगा। ए बिच्छू तुम बदमाशी मत करना यार, देखो ना बाहर स्टेशन पे कैसे लोग घूम रहे हैं। आओ देखो ना ये टॉय ट्रेन है ना, बिना उतरे हम लोग छू सकते हैं। आओ देखो, आओ क्या मजा। आओ ए मजा आ रहा है, ट्रेन छूट गई। अरे बाबा, अरे शोर मचाना बंद कर रे बाबा, लोग तुम्हें फालतू बोलेंगे रे बाबा। अरे यार मेरे कानों में कुछ सुनाई पड़ रहा है रे बाबा, ऐसा लग रहा है कि ट्रेन की पटरी में कुछ सामान रखा जा रहा है रे बाबा, मेरे लंबे लंबे कानों में थी। अरे यार मेरे कानों में सुनाई दे रहा है रे बाबा। अरे यार तुम्हें तो केवल लफड़ा ही दिखाई देता है। अरे यार
बाहर देखो कितने सुंदर पहाड़, कितने सुंदर नदियाँ, कितने सुंदर झरने, ये सब कितने सुंदर लग रहे हैं। हाँ देखो ना कितने सुंदर है, आओ। आओ देखो ना ये बटलू भैया चलती ट्रेन में सो गए, कितने बोरिंग हो गए यार, आओ आओ। अरे गाइस मैं गिर गया, आओ। एक्सीडेंट नहीं हुआ रे बाबा, ये ड्राइवर बहुत जोर से ब्रेक मारा रे बाबा, चल रे बाबा देखते रे। अरे ये तो पटरी पे बहुत बड़ा एक पत्थर है। हाय हाय, मैं तो टेलीग्राफ पाके अपने भाई को देखने जा रहा था, किस झमेले में पड़ गया। गार्ड साहब कितना टाइम लगेगा ये पत्थर हटाने में। ये तो कह नहीं सकते, लग रहा है ये पत्थर हटाने में 4-5 घंटा लग ही जाएगा। अरे बाटलू भैया ये पत्थर आप हटा दो ना, ये तो आपके लिए बाएं हाथ का खेल है, अब हम लोगों से और इंतजार नहीं हो रहा है। अरे यार बटलू भैया, अरे उस पत्थर के पीछे कुछ डाकू लोग छुप कर बैठे हैं और उनकी आवाजें मैं साफ साफ सुन पा रहा हूँ। अरे यार क्या वो लोग हम लोगों को लूटेंगे क्या? और मैंने सुना है ये ट्रेन में कोई महारानी जा रही है रे बाबा। अरे तब तो चिंता की बात है रे बाबा। अरे रुक जाओ, अगर ऐसी बात है तो भैया पत्थर कौन मरा है? अरे बाप रे बाप, अब हम लोग किसी को नहीं लूटेंगे, अब नहीं लूटेंगे, अब बेका से छोड़ देंगे। अरे ये तो बड़े ही खतरनाक डाकू है, इन्हीं सबको पुलिस ढूंढ रहा है। बटलू तुम्हें सरकार से तो इनाम मिलेगा। अरे नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया, अरे ये तो लंबे कान वाले ने मुझे बताया तब जाकर ये मैंने काम कर दिया। हाँ बटलू मैं बाहर तुम्हारा बहुत नाम सुनी हूँ, आज मैं अपने आँखों से देख के धन्य हो गई। तुम्हारे लिए मैं इस यात्रा में सुरक्षित हूँ, इसीलिए खुश होके मैं ये सोने का आभूषण दे रही हूँ। अरे नहीं नहीं महारानी जी, इन सभी चीजों की मुझे कोई जरूरत नहीं, अरे मैं तो अपने बच्चों को लेकर दार्जिलिंग घूमने आया हूँ। और हाँ तुम और तुम्हारे साथी मेरे अतिथि बनकर मेरे राजमहल में रहना। अच्छा अच्छा ये अच्छा रहेगा, क्या बोल रहे हो बच्चू बिच्छू? आओ बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अरे बटलू भैया ये डाकू लोग फिर भागने की कोशिश कर रहे हैं, इन लोगों को सबक सिखाना ही पड़ेगा, और वैसे भी बहुत दिनों से फूंक कर किसी को उड़ाया नहीं, तो आज मैं फूंक कर इन लोगों को थाने तक पहुंचा दूंगा ताकि पुलिसों का काम भी आसान हो जाए। अरे बटलू भैया तुम जो भी काम करते हो बहुत ज्यादा हो जाता है, और कहीं इतना ज्यादा मत फूंक देना कि वो लोग थाने के साथ ही उड़ जाए रे बाबा। अरे तू देखता जा मैं क्या करता हूँ। ये क्या, ये तो डाकू अपने आप उड़ के वापस आ गए। जल्दी जल्दी इनको लॉकअप पे बंद करो, नहीं तो ये लोग फिर से उठकर भाग जाएंगे। सुनिए यात्रियों, आप लोग ट्रेन में चढ़ के बैठ जाइए, आप लोगों को चिंता करने का कोई बात नहीं, जब तक लंबे कान वाले और बटलू उसको साथी हम लोगों को साथ है तब कुछ नहीं हो सकता। आओ बटलू भैया आप हम लोगों के लिए शान हो, आप हम लोगों के लिए आंखों का तारा हो, मैं तहे दिल से आपका सम्मान करता हूँ, आओ। अरे लंबे कान वाले भैया, अरे आप तो ग्रेट हो यार, आपके दूर की आवाज सुनने से हम लोग तो शान बढ़ गया। अरे लंबे कान वाले, अरे आप तो ग्रेट हो, अरे आप सचमुच बहुत ग्रेट हो यार। अरे बच्चे बिच्छू अच्छे बच्चों की तरह रह रहे हो, तो चलो दार्जिलिंग मॉल में सारे घूमो फिरो फ्री में। ए बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। अरे तेरे से पहले तो मैं चढ़ूंगा, अरे बड़ा मजा आएगा।